कोलिजन्स के अंदर रूल नंबर वन, कोलिजन कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली टाइप की कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं है। आपने बॉल को लिया, बॉल को फेंका, जमीन पे बॉल गई, आपके हाथ में वापस आ गई, एच हाइट से फेंका, एच हाइट पर वापस आ गई, कोई एनर्जी लॉस नहीं है काइनेटिक का, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन, आपने बॉल को लिया 10 मीटर पे फेंका, वो 7 मीटर पे वापस आ गई, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें एनर्जी लॉस है। नेक्स्ट स्टेप परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बॉल को फेंका वो चिपक गई ग्राउंड के साथ, चिपकी गई, सेपरेशन ही नहीं हुआ। आपने बुलेट लिया, ब्लॉक के अंदर घुस गई बुलेट, दोनों इकट्ठे चल पड़े, ठीक है, बुलेट ब्लॉक के अंदर आई फिर इकट्ठे चल पड़े, तो सेपरेशन नहीं हुई दो बॉडीज की, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो चाहे कोई भी टाइप की कोलिजन हो, रूल नंबर वन, मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, रूल नंबर वन। काइनेटिक एनर्जी इसमें कॉन्स्टेंट रहेगी, बाकियों में काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ये तो थ्योरी की बात है। अब हम एक काम करते हैं, जब मैं बोलता हूँ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब u1 u2 वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन, v1 v2 कोलिजन हैं वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या रहेगा? सेम। ये है मोमेंटम कंजर्वेशन, चाहे इलास्टिक है चाहे इनइलास्टिक है, ये रूल तो दोनों में लगेगा। नेक्स्ट रूल काइनेटिक एनर्जी, तो जब इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। इलास्टिक में लगेगा, इन इलास्टिक में नहीं लगेगा, क्योंकि बात इलास्टिक की हो रही है, ये लगेगा। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, ये मेन डिफरेंस है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, फिर इकट्ठे कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, एक ही रूल है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है? m1 u1 और इसका जीरो, कोलिजन के बाद क्या है? m1 प्लस m2 इनटू v कॉमन, तो यहां से v कॉमन कैन बी कैलकुलेटेड। ये तीन डिफरेंसेस क्लियर हैं यहां तक। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने कोलिजन को ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले इलास्टिक कोलिजन से एनर्जी लॉस नहीं है, तो पहला रूल करेंगे 1D में। 1D में बॉल आएगी, 1D में, 1D में चली जाएगी, एक्स एक्सिस पे आएगी, एक्स पे चली जाएगी 1D। और फिर हम क्या करेंगे इसमें 2D, तो बॉल आएगी दूसरी बॉल को हिट करेगी, एक इधर एक इधर 2D। फिर हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन 1D में, इन इलास्टिक कोलिजन 2D में, और फिर हम करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन 1D में। तो ये सारी कोलिजन की कैटेगरीज हैं, आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है 1D में या 2D में। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन 1D, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर मेरी जो थ्योरी चलेगी वो इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, पहले 1D 1D क्लियर करेंगे, फिर दोनों का 2D 2D क्लियर करेंगे। पहले 1D 1D करते हैं, इलास्टिक का इन इलास्टिक का, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस पे, 2D में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन इन 1D के अंदर रूल नंबर वन, तो u1 u2 इनिशियल, v1 v2 फाइनल वेलोसिटी, रूल नंबर वन मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। आपने इसमें से कुछ नहीं करना, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, आपने सीधा एक डेफिनेशन पढ़नी है, और वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब क्या है? कोलिजन से पहले ये आपके पास बॉल्स हैं और m1 m2 u1 u2 से मूव कर रही थी, तो m1 m2 को अप्रोच कर रही थी टक्कर मारने के लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी में u1 बड़ा होगा, u2 छोटा होगा, तभी इसे टक्कर मार पाएगी। तो u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या है? अप्रोच, ये अप्रोच कर रही है। फिर क्या हुआ? इनकी टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी बढ़ गई और ये छोटी हो जाती है, क्योंकि अपनी एनर्जी कुछ इसको दे चुकी है। तो आपके पास क्या होगा? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब ये दूर जाएंगी, पहले ये पास आएंगी फिर ये दूर जाएंगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रेस्टिट्यूशन का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो पहला फॉर्मूला जो आपने याद करना है वो रेस्टिट्यूशन का करना है। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला बनेगा वी सेपरेशन के अंदर v2, सेपरेशन के अंदर v2 माइनस v1, u1 माइनस u2। ये पहला फॉर्मूला रेस्टिट्यूशन का, इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन दोनों में वैलिड है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है।
दूसरा आपने याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या है? वन. परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक में ई की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, जीरो और वन के बीच में होती है, और जब दो बॉडी सेपरेट नहीं होती, चिपक जाती हैं, तो ई जीरो होता है. ये यूज नहीं होता न्यूमेरिकल में, या तो ये यूज होता है या ये यूज होता है. क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज आपने याद रखनी आएगी. कोई डाउट इसमें? तो ऑनलाइन भी क्लियर है यहां तक? यस सर. एक बार दोबारा बता दो. रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिख लिया आपने, ई का v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2. यस सर. फिर आपने याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता उसमें e1 होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन में जिसमें एनर्जी लॉस होता है उसमें ई फ्रैक्शन होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में, ई हाफ, 1/4, 1/3, 1/6, सब गिवन होगा, आपको ये ढूंढना नहीं पड़ता. ठीक है, कैसे यूज करना है अभी बताता हूँ. तो जैसे कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन यूज कैसे करते हैं, सिर्फ यूज करना सिखा रहा हूँ, वैसे चाहिए नहीं आपको ये. क्या कि अगर एक बॉल आ रही है u1 = u, तो u1 गिवन है इसका, और ये दीवार से टक्कर मारेगी, सेकेंड बॉडी दीवार है, तो दीवार से टक्कर मारेगी तो u2 क्या है इसका? जीरो. और v2 भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि सेकेंड बॉडी इनिशियली भी रेस्ट पे, फाइनली भी रेस्ट पे. टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी है v1, और आपको इस क्वेश्चन में मान लो v1 निकालना है कितना है, ये क्वेश्चन है. तो u1 गिवन है, v1 निकालना है, और क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू क्या रहेगी? 1. e1 है, तो आप इस फॉर्मूले में 1 पुट करें e, v2 और u2 तो देखते ही क्या पुट कर देंगे? 0. तो यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके v1 क्या आएगा? माइनस u1. पर u1 क्या है? u. तो आंसर क्या आएगा? माइनस u. तो रेस्टिट्यूशन यूज करना सिखा रहा हूं, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसमें एनर्जी लॉस तो होगा नहीं. तो आप शॉर्टकट याद करेंगे कि अगर बॉल u वेलोसिटी से जा रही है और इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी लॉस नहीं है, तो वो u से ही वापस आएगी, क्योंकि एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, साइन माइनस लगा देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है इसमें? चेंज. तो पहला रिजल्ट क्लियर है. तो इलास्टिक कोलिजन में अगर बॉल u से जा रही है तो u से ही वापस आएगी, रूल नंबर 1. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट रूल है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में, नहीं ये जरूरत नहीं है इसको करने की. इन इलास्टिक कोलिजन में मान लो u1 से बॉल आ रही है, टक्कर खा के v1 से जा रही है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल v1 है, और ग्राउंड की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फाइनल भी 0. ग्राउंड ने तो मूव ही नहीं करना, पहले भी और बाद में भी नहीं. तो इसमें रेस्टिट्यूशन आपको e गिवन है मान लो, मतलब इसमें एनर्जी लॉस है, e1 नहीं है. जब आप ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे, v2 u2 ग्राउंड के लिए 0 ही पुट करना है, तो v1 क्या आएगा यहां पर, और u1 इसमें u है, तो v1 क्या आएगा सॉल्व करके? माइनस e into, माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन है चेंज्ड. बॉल टक्कर खाने के बाद डायरेक्शन क्या कर लेगी? चेंज. और वेलोसिटी कितने टाइम हो जाएगी? e टाइम हो जाएगी. तो आपने ये कुछ लगाना नहीं है पेपर में, शॉर्टकट याद रखेंगे. क्या शॉर्टकट है? कि अगर बॉल u वेलोसिटी से आएगी और कितनी वेलोसिटी से जाएगी? e into u वेलोसिटी से वापस चली जाएगी. अगर ये इलास्टिक कोलिजन हुई तो u से आएगी, u से जाएगी. अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन हुई तो u से आएगी, e into u से वापस जाएगी. ये रिजल्ट याद रहेगा. और माइनस साइन का मतलब रीबाउंड हो गई. जैसे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में 3 m/s से बॉल आ रही है, ग्राउंड का रेस्टिट्यूशन हाफ है, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. शॉर्टकट बोलो. शॉर्टकट क्या? कि अगर 3 के साथ आ रही है तो e into u यानी कि हाफ into 3 के साथ ये ऊपर चली जाएगी, तो सीधा आंसर 3/2 विद नेगेटिव साइन. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? रिजल्ट हमने क्या किया? U से बॉल आएगी, E into U से वापस जाएगी. U से आ रही है 3 से, E into U कितना? Half into 3, 3/2 से वापस चली गई. वापस जाने के लिए साइन नेगेटिव. ठीक है यहाँ तक? बोलो. कौन सी कोलिजन हो रही है वापस क्वेश्चन के अंदर? एक गिवन होता है कि कौन सी कोलिजन हो रही है क्वेश्चन के अंदर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करो, आप रूल सीखते जाओ, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपको सब पता लगेगा कि क्या हो रहा है इसमें. आप एक घंटा रुको, एक घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा आपको. ओके सर.
देखो आप एक स्टेप आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि क्या हमें गिवन होगा इलास्टिक इन इलास्टिक, बिल्कुल गिवन होगा। कई बार नहीं गिवन होता, उसमें गिवन होता है ई इज इक्वल टू हाफ, ई इज इक्वल टू 1/4। भाई जब तुम्हें ई हाफ फ्रैक्शन में दे रहा है, गारंटेड इन इलास्टिक कोलिजन है, और जिसमें ई नहीं दे रहा उसमें देखना पड़ता है इलास्टिक या इन इलास्टिक है। और आपका क्वेश्चन कि ई नेगेटिव यूज करना है, हाँ ऑप्शन में ई नेगेटिव के साथ जो आंसर गिवन होगा ऑप्शन में नेगेटिव के साथ गिवन होगा। नेगेटिव का मतलब इट हैज चेंज इट्स डायरेक्शन। तो आप क्वेश्चन को मत टेंशन लो, बस आप कॉन्सेप्ट सीखो। रीबाउंड में नेगेटिव साइन लगता है कि अगर आने की वेलोसिटी पॉजिटिव है और रीबाउंड कर गई तो वेलोसिटी जाने की नेगेटिव लेनी होती है। कैसे यूज करना भी करके दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुए ना, मैं रूल बना रहा हूँ सिर्फ। तो रूल क्या है, अभी तक हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। इलास्टिक कोलिजन का ई वन है, रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन की, रेस्टिट्यूशन के बाद ये किया कि इलास्टिक कोलिजन में जिस वेलोसिटी से बॉल आती है उसी वेलोसिटी से रीबाउंड हो जाती है, इन इलास्टिक कोलिजन में जिस वेलोसिटी से बॉल आती है ई टाइम वेलोसिटी से वापस चली जाती है। बस ये किया, बस मेन मेन आपने याद रखना है ना, अंदर के चीजें मत देखो, न्यूमेरिकल में सीधा लगाएंगे इसे। नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन में ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, याद करने ही करने हैं, ये लगेंगे लगेंगे कोलिजन के अंदर। और ये फॉर्मूलाज हैं क्या, ये फॉर्मूलाज किसके लिए एप्लीकेबल हैं, इलास्टिक कोलिजन के लिए एप्लीकेबल हैं। इलास्टिक कोलिजन में अगर टक्कर से पहले फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी u1 है और सेकेंड बॉल की वेलोसिटी u2 है, टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 एंड v2 है, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में u1 u2 गिवन होगा, m1 m2 गिवन होगा, वो फाइनल वेलोसिटी पूछेगा v1 v2। तो आप क्या करेंगे, ये दो बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद करेंगे, इन दो फॉर्मूला से सीधा v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये यूज होगा। याद करने का तरीका आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका करो, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ये v1 है, ये v2 है, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ही आएगा चारों ऑप्शन में, तो डिनोमिनेटर याद करने की जरूरत नहीं है, m1 प्लस m2। उसके बाद v1 है, अगर ये v1 है तो यहां पर पहली टर्म के आगे u1 आएगा, तो फिर यहां पर u2 आएगा। ऐसी अगर ये v2 है तो यहां पर u2 आएगा और ये u1 आएगा। तो याद करना इजी हो जाता है कि ये चार टर्म तो आप ऐसी याद कर लिया आपने, ये तो खत्म हो गया। अगर ये v1 है तो ये u1 से स्टार्ट होगा, फिर ये u2 होगा, अगर ये v2 है तो u2 होगा, u1 होगा। ये चार टर्म और याद हो गई, नंबरिंग कैसे याद करनी है। फिर उसके बाद अगर ये v1 है, वन है, अगर ये वन है तो m वाली टर्म पहले वन आएगी फिर टू आएगी, अगर ये टू है तो m2 पहले आएगा वन बाद में आएगा। मतलब अगर ये वन है तो ये वन है, ये भी वन है, ये v2 है, ये m2 है, ये u2 है, याद करने का तरीका है। तो ऑब्वियसली अगर ये m1 है फिर ये m2 है, ये m2 है तो ये m1 है, और ऐसे अगर ये u2 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 1 है। अपने अपने तरीके याद करने के, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है, पहले चार ये लिखना आसान है, फिर मैंने ऐसे याद कर लिया 1 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, फिर 2 है, फिर ये 2 है, ये भी 2 है तो ये u1 है, बात खत्म। तो अपने अपने तरीके आप कैसे भी याद करो, बस आपको v1 v2 याद होना चाहिए, बात खत्म। ठीक, इसमें एक शॉर्टकट है, अगर इलास्टिक कोलिजन है, अभी इन इलास्टिक नहीं स्टार्ट हुई, इलास्टिक कोलिजन है और मासेस दोनों बॉल्स के बराबर हैं, m1 और m2 बराबर हैं, तो ऐसे केस में जब v1 v2 में वैल्यूज पुट करेंगे तो शॉर्टकट आएगा कि बॉल्स अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेंगी, इंटरचेंज। जैसे क्वेश्चन आएगा इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक में रूल नहीं लगेगा, सिर्फ इलास्टिक में लगेगा, इलास्टिक कोलिजन है, इसकी वेलोसिटी 10, इसकी 5, तो टक्कर के बाद इसकी 5, इसकी 10, कब, अगर इलास्टिक कोलिजन में मास बराबर है। जैसे इलास्टिक कोलिजन है, मास बराबर है, तो इसकी वेलोसिटी अगर 10 है, इसकी 5 है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आफ्टर कोलिजन ये 5 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी, डायरेक्शन भी एज इट इज स्वैप हो जाएंगी। ठीक है यहां तक, जैसे इलास्टिक कोलिजन है, ये 10 है और ये 0 है, टक्कर के बाद ये 0 हो जाएगी और ये
10 हो जाएगा। तो रिजल्ट याद हो गया, इलास्टिक कोलिजन के दो बड़े बड़े फॉर्मुला याद करने हैं, इलास्टिक V1 V2 के। इलास्टिक कोलिजन में अगर मास बराबर है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी, ये भी याद करने हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो याद किए जाएंगे किसमें, फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अब स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इन इलास्टिक कोलिजन का कोई फॉर्मूला नहीं याद कर सकते, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इन इलास्टिक कोलिजन में दो ही कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट, टक्कर से पहले u1 u2 वेलोसिटी है, टक्कर के बाद v1 v2 वेलोसिटी है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में पहले मोमेंटम कंजर्व कर लें, वो तो होना ही होना है, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी एनर्जी तो बन नहीं सकती, दूसरी इक्वेशन किसकी लगेगी, रेस्टिट्यूशन की। तो यहां से u1 u2 e गिवन होगा, u1 u2 गिवन होगा, तो दो ही वेरिएबल बचेंगे v1 एंड v2। तो यहां से v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड, और कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। तो पहली इक्वेशन इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्वेशन की, और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो कैसे, ये देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मान लो 2 kg मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10, तो u1 गिवन है, 1 kg मूव कर रहा है तो u2 गिवन है, आफ्टर कोलिजन v1 v2 निकालना है, और आपको रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है, हाफ। तो आप पूछ रहे थे कि गिवन होगा कि नहीं गिवन होगा, देखो जब उसने e हाफ बोल दिया तो इलास्टिक तो हो नहीं सकता, तो आप v1 v2 के बड़े बड़े फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। ये कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक है। तो पहला रूल मोमेंटम कंजर्वेशन, तो 2 × 10 + 1 × 5 is equal to 2 × V1 × 1 × V2 first equation, और दूसरी equation restitution। तो restitution में u1 u2 e given है, तो v1 v2 की variables की equation आएगी, first और second equation को simultaneously solve करके v1 v2 can be calculated। कोई formula नहीं है, एक momentum conservation है और एक restitution है। तो online clear है यहाँ तक trick? Yes sir. Yes sir. ठीक, इसको use करके देखेंगे। अगर आपकी कोई भी डायरेक्शन किसी भी बॉल की नेगेटिव हो गई, उल्टी डायरेक्शन होगी, इधर मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, मैंने सारे न्यूमेरिकल राइट की तरफ ही सॉल्व किए हैं, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट की नेगेटिव है, तो क्या करना है, फिर से सेम क्वेश्चन है, v1 v2 निकाल लो, और e हाफ है, तो इन इलास्टिक कोलिजन है। तो पहला रूल मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे, 5 × 10 + 2 × 5 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि मोमेंटम अब लेफ्ट की तरफ है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हैज चेंज्ड, तो राइट का मोमेंटम पॉजिटिव, लेफ्ट का नेगेटिव, और आफ्टर कोलिजन 5 × V1 + 2 × V2। और एक रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जब लगेगा उसके अंदर भी एक वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक लेफ्ट वाली नेगेटिव, तो सॉल्व करके V1 V2 कैन बी कैलकुलेट। ठीक है यहां तक, तो ये इस टाइप की इन इलास्टिक की प्रॉब्लम आएगी। इन इलास्टिक की और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं दिखाता हूं, ये देखो। तो आगे चलने से पहले हमने अभी तक क्या किया, इलास्टिक इन 1D, इन इलास्टिक इन 1D, 1D दोनों 1D है, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन के और फिर इन इलास्टिक कोलिजन। हमने इन इलास्टिक के, तो इन इलास्टिक में तो क्या ही देखोगे, वो तो देख ही लिया आपने, मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन दो कॉन्सेप्ट है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो,
बॉल जिसका मास 0.1 kg है मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद बॉल ऑफ अननोन मास। ये देखो एक बॉल है 0.1 kg और वो यू वेलोसिटी से चलता है और एक M2 पड़े हुए मास को रेस्ट पे पड़े हुए मास को हिट करता है। कोलिजन के बाद क्या होता है, ये वापस आ जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1/3 यू बाई थ्री। गिवन है आपको M2 निकालना है क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, आपको U1 पता है, आपको U2 पता है, आपको V1 भी पता है, V1 भी पता है, आपको V2 नहीं पता। तो क्या फॉर्मूला लगेगा V1 का, तो V1 का फॉर्मूला लगा लो। V1 के फॉर्मूले में U2 को उठा के 0 पुट कर दो, U1 की जगह U पुट कर दो। अब इंपॉर्टेंट है V1 की जगह -U/3, क्योंकि लेफ्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज है, राइट की पॉजिटिव लेफ्ट की नेगेटिव। सॉल्व करके आंसर आएगा, एम निकल जाएगा, एम निकाल लेना ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस वालों को, नीट वालों को डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं और मेंस में भी आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। इलास्टिक कोलिजन है 1D की, चलो इलास्टिक है 1D गिवन है, तो मैं बड़े बड़े V1 V2 के फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। एक बॉल आ रही है जिसकी वेलोसिटी U है, स्ट्राइक्स अ पार्टिकल जिसका मास Km है, K टाइम्स M है। तो एक बॉल है जिसका मास M है और वो K इन टू M मास को हिट करता है लाइंग एट रेस्ट। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, V1 एंड V2 हो जाती है, हो गई। तो आपको ये बताना है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू स्ट्रक पार्टिकल। इसने अपनी, इसके बाद तो कुछ नहीं था, रेस्ट पे था, इसने अपनी एनर्जी इसको दी होगी, कितनी फ्रैक्शन दी ये बताओ। अच्छा वैसे पूछता हूँ, मान लो इसके पास 100 जूल की एनर्जी थी, इसके पास तो कुछ नहीं था, टक्कर के बाद इसके पास रह गई 20 जूल की और इसके पास कितनी हो गई, 80 की, 80 की। तो बताओ कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, 80। कितनी फ्रैक्शन ट्रांसफर हुई, 80 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितनी थी, तो ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड में इसके पास तो कुछ नहीं था, तो इसकी एनर्जी ले लेते हैं जो ट्रांसफर हुई। तो इसकी एनर्जी कितनी है, 1/2 Km into V2 square, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में इसकी एनर्जी ले लें 1/2 MU U1 square, टोटल एनर्जी में इसकी एनर्जी ले लें 1/2 MU1 square, क्योंकि टोटल एनर्जी में दिस प्लस दिस ये तो जीरो है, तो टोटल में 1/2 MU1 square। तो ये समझ में आ गया फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकाली। ये देखो फिर से, इसके पास एनर्जी कितनी है, जैसे इसके पास मैंने क्या बताया 100 थी, इसके पास 0 है, आफ्टर कोलिजन 20 है और 80 है, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, 80। 80 की जगह लिख लो 1/2 Km into V2 square, टोटल कितनी थी 100, 100 की जगह लिख लो 1/2 M into U1 square। तो ये ठीक लिखा मैंने। अब यहां से मुझे सिर्फ V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए फॉर्मूला हमने किया V2 का, V2 में U2 को क्या पुट करेंगे, 0। सॉल्व करके M1 की जगह M, M2 की जगह KM पुट करके क्या आएगा, V2। इस V2 को वहां पुट करके ये आंसर आएगा, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। बॉक्स में डाल के इसको ध्यान से देख लो, कई बार सीधा फॉर्मूला मार्क करने को आ जाता है, 4K/1+K² क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक सर? इसका शॉर्टकट क्या बताया आप? बस ये फॉर्मूला याद करने का शॉर्टकट है यार, फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का ये रहा फॉर्मूला। ओके सर ठीक। नेक्स्ट आपने जो करना है इसमें सेम है, फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का सेम है। अब हमने अभी तक क्या किया, हमने पहले रूल सीखे इलास्टिक कोलिजन के, हमने रूल सीखा इन इलास्टिक का 1D 1D में, हमने न्यूमेरिकल अभी देखा इलास्टिक का, इन इलास्टिक में तो कुछ कर नहीं सकते थे, उसके अंदर तो मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन का ही कॉन्सेप्ट था। इन इलास्टिक में 2-3 शॉर्टकट और हैं, सीधा शॉर्टकट याद करेंगे, ध्यान से देख लो, ये जो थ्योरी है उसी की शॉर्टकट है, मैं फिर से बना रहा हूँ। ये देखो कैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है कि अगर ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड है, एक बॉल ग्राउंड को हिट करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू और रेस्टिट्यूशन है ई, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स, आज किया ना, वेलोसिटी अगर यू से आ रही है तो ई टाइम यू हो जाएगी, पहला रूल क्लियर है, आज हमने किया वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है।
फिर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये वापस हिट करेगी विद सेम वेलोसिटी ई इंटू यू, क्योंकि एनर्जी लॉस तो है नहीं हवा में, तो ई इंटू यू से हिट करेगी, तो अगली बार हिट करने के बाद वेलोसिटी कितने टाइम हो जाएगी, ई टाइम्स और हो जाएगी, यानी कि कितनी, ई स्क्वायर इंटू यू, फिर अगली बार हिट करने के बाद वेलोसिटी कितने टाइम हो जाएगी, ई क्यूब इंटू, तो पहली बार हिट करने पे वेलोसिटी ई टाइम, दूसरी बार हिट करने पे ई स्क्वायर, तीसरी बार ई क्यूब, और लास्ट टाइम ई की पावर एन यू। तो ये शॉर्टकट है कि हर बार वेलोसिटी जितनी बार हिट करेगी इन इलास्टिक कोलिजन में रिमाउंड होगी, वेलोसिटी ई टाइम होती जाएगी। पहला शॉर्टकट क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है शॉर्टकट? ठीक। दूसरा सुनो शॉर्टकट, दूसरा अगर ये फिर से ग्राउंड है और सपोज एक बॉल को आपने यहाँ ड्रॉप किया और वो एच हाइट पर नीचे आई, रेस्टिट्यूशन ई है तो एनर्जी का लॉस है, तो जब ये वापस जाएगी तो इसने हाइट क्या अटेन करनी है, एच डैश, तो एच डैश क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि जब ये हिट करेगी तो किस वेलोसिटी से हिट करेगी, यू, और जब ये वापस जाएगी किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, ई यू। तो इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी, नहीं एक काम, ये इसकी जगह ये टाइम मत लो, क्वेश्चन है, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें इक्वेशन लगाओ, यू इज इक्वल टू जीरो है, फाइनल वेलोसिटी यू है, तो वी फाइनल स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू जी इंटू कितना, एच, इक्वेशन नंबर वन, सही है। फिर जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो, तो इसके लिए जीरो स्क्वायर माइनस ई यू का स्क्वायर इज टू इंटू माइनस जी इंटू एच डैश। ठीक है, एक काम करो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करो, आपके पास आंसर ही आएगा, चेक करो, ई स्क्वायर एच, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो शॉर्टकट सुनो, ये कुछ करना नहीं है आपने, शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो अगर बॉल एच हाइट से नीचे आती है तो एक हिट करने के बाद कितनी हाइट अटेन करती है, ई स्क्वायर एच, अगली बार कितनी करेगी, ई स्क्वायर इंटू एच, यानी कि ई की पावर 4h, अगली बार फिर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ई की पावर 6h, करते करते ई की पावर 2nh, तो ये nth हिट के बाद ये हाइट अटेन करेगी। तो शॉर्टकट है, वेलोसिटी हर बार कितने टाइम हो जाती है, ई टाइम हो जाती है, हाइट कितने टाइम हो जाती है, ई स्क्वायर टाइम हो जाती है। क्लियर है यहां तक? तो सीधा शॉर्टकट याद करेंगे, ठीक हो गया? सर दोबारा समझा दो एक बार, ये हाइट एच अभी मैंने किया ना पिछला केस, हाइट के केस में जैसे ये एच हाइट है, यू इज इक्वल टू जीरो था और ये यू वेलोसिटी से हिट करता है इसे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू जी इंटू एच, और जब ये टक्कर खा के ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की क्या हो जाएगी, जीरो, और हाइट अटेन क्या होगी, एच डैश, तो दूसरी इक्वेशन क्या लगेगी, यू स्क्वायर माइनस ई यू का स्क्वायर इज टू इंटू माइनस जी इंटू एच डैश। आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेना तो एच डैश आएगा ई स्क्वायर एच। ठीक है, यस सर, पर ये मैं कह रहा हूँ ये करना ही नहीं है आपने, मैं तो कह रहा हूँ ये करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा ना, हम तो शॉर्टकट कर रहे हैं कि अगर पहली हाइट एच है बॉल की तो अगली हाइट ई स्क्वायर एच है बॉल की, अगली हाइट ई की पावर 4h है, अगली हाइट ई की पावर 6h है, ई की पावर 2nh है, बस ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाओ हाइट आती जाएगी, शॉर्टकट है। ठीक है, उसी तरीके से अगला शॉर्टकट है कि अगर सपोज करो ये फिर से एक बार ग्राउंड है और ये बॉल चली नीचे आई एच हाइट पर, टाइम टेकन कितना है, टी, तो अगली बार जब ये बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी तो टाइम टेकन कितना होगा, टी डैश, और हाइट क्या होगा, एच डैश। तो आप अब टाइम निकालना चाहते हैं तो यू इज इक्वल टू जीरो
यहां पर भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, तो इसके लिए लगाएं h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन, और इसके लिए लगाएं h डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर, और h डैश मैंने क्या सिखाया था, e स्क्वायर h हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। इस बार टू और वन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा e इंटू टी, डिवाइड कर ले आंसर आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर पहली पहली बार बॉल नीचे गिरती है तो टी टाइम में नीचे गिरी, तो थप्पा खा के हिट करने के बाद ऊपर जाके द्वारा नीचे गिरेगी, तो वो टी डैश टाइम में नीचे गिरेगी क्योंकि हाइट उसकी कम हो गई है, तो जो टी डैश होगा ना वो ई इंटू टी के इक्वल होगा। ये शॉर्टकट है, ये कुछ करना नहीं है पेपर में, सीधा शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है कि अगर पहली बार बॉल नीचे गिरती है इन टाइम टी, अगली बार गिरेगी इन टाइम ई इंटू टी, अगली बार गिरेगी इन टाइम ई स्क्वायर इंटू टी, अगली बार गिरेगी ई क्यूब इंटू टी, nth टाइम गिरेगी e की पावर n इंटू टी। तो तीन रिजल्ट याद रखने हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी हर हर स्ट्राइक के बाद e टाइम होती जाएगी, हाइट हर स्ट्राइक के बाद e स्क्वायर टाइम होती जाएगी, टाइम हर स्ट्राइक के बाद e टाइम होता जाएगा। बस ये तीन शॉर्टकट हैं, काम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर सॉल्व करने का टाइम नहीं है हमारे पास इतना। ठीक है, क्या ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये सारा यही है, ये करने की जरूरत नहीं आपको, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ें। देखो क्वेश्चन है कि बॉल आई मोमेंटम पी के साथ, हिट किया वापस गई, क्योंकि वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है तो मोमेंटम भी ई टाइम हो जाएगा, तो जाने का मोमेंटम ई पी, आने का पी, तो चेंज इन मोमेंटम ई पी माइनस माइनस पी, क्योंकि डायरेक्शन हैज चेंज, तो आपके पास ये चेंज इन मोमेंटम आ गया एक स्ट्राइक करने के बाद। अब अगली स्ट्राइक में क्या होगा, ई पी से फिर हिट करेगा बॉल,
और ई स्क्वायर पी से वापस जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम ई स्क्वायर पी माइनस माइनस ई पी, तो ये नया चेंज इन मोमेंटम। वो कह रहे हैं ऐसी बॉल हिट करती जा रही है इनफाइनाइट टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम बोलो क्या होगा। तो पहले स्ट्राइक करने पे चेंज इन मोमेंटम इतना, दूसरे स्ट्राइक करने पे चेंज इन मोमेंटम ई टाइम कर दो सीधा, और इस तरीके से तीसरे स्ट्राइक करने पे ई स्क्वायर कर देना, पहले स्ट्राइक का चेंज इन मोमेंटम, दूसरे का, तीसरे का, अप टू इंफिनिटी। कॉमन निकल गया इसमें पी इंटू वन प्लस ई, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस ई। आंसर, दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम। नॉन मेडिकल में आने का चांस ज्यादा, मेडिकल में कह नहीं सकता मैं क्योंकि जीपी यूज हो रही है ना, पर ऐसा नहीं है उनको जीपी यूज नहीं होती, नीट के क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी जीपी और कैलकुलस यूज होते हैं। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे टोटल चेंज इन मोमेंटम को इसमें कैलकुलेट किया। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पक्का यूज होगा कहीं ना कहीं। अब हमने क्या किया, पहले परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डी, और अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डी जिसमें सेपरेशन नहीं होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में एक मान लो बॉल आई या बुलेट आया, दूसरी बॉल के साथ चिपक गया और फिर दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो रूल नंबर वन एंड लास्ट एंड फर्स्ट रूल एक ही है, मोमेंटम कंजर्वेशन। टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, एम वन इंटू यू और इसका जीरो, टक्कर के बाद एम वन प्लस एम टू इंटू वी कॉमन, ये लो। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लो एक बैग लटका हुआ है m, आपने बुलेट चलाई विद द वेलोसिटी ऑफ u, इस बुलेट ने बैग के अंदर ये रेस्ट पे आ गई और फिर इकट्ठे मूव करते हैं और इकट्ठे इन्होंने हाइट अटेन कर ली कितनी, h बोलो कितनी है। तो सबसे पहले जब इसको हिट करेगा तो दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी। कैसे, टक्कर से पहले मोमेंटम mu और इसका मोमेंटम जीरो, टक्कर के बाद m plus m into v common, you have to calculate the value of v common. v common आ गया, फिर आपने लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये बिल्कुल बॉटम पे था तो पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक हाफ m plus m into v common का स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल m plus m into g into h और काइनेटिक क्या, जीरो। इक्वेट कर लेना, v common की वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ से हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी। सर एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड नहीं होता ना शायद इसमें, बिल्कुल भी नहीं होता इस केस में, नहीं होता। ऐसा होता है कि आपसे ये पूछ सकता है, गोली जो है ब्लॉक के अंदर आई, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई सिस्टम की, उसमें तो लॉस होता है, पर एक बार घुस गई फिर एक नया पोर्शन स्टार्ट हो गया, ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद वी कॉमन, हवा में इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। इनके अंदर की कोलिजन में हो सकता है पर इकट्ठे चलने में कुछ नहीं होगा। ओके सर, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, तो ये दो लास्ट रह गई। हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, फिर हमने किया इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, फिर हमने किया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, 1D 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 कंप्लीट। अब हम करेंगे वापस से इलास्टिक कोलिजन इन 2D, फिर इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, बस खत्म। पांच टाइप की हैं। तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2D कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात, ये दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल्स वर्टिकल नहीं है, ये टेबल पे पड़ी हुई हैं। M1 M2 को हिट करता है तो M1 इधर जाता है, M2 इधर जाता है, टेबल पूल टेबल चल रहा है। आपने क्या किया, उस टेबल की फोटो खींची टॉप व्यू और यहाँ छाप दी, तो ये टॉप व्यू ऑफ टेबल है। तो ये ना सोचे बॉल नीचे गिरेगी, उछल गई, उछली नहीं है, टेबल के ऊपर ही जा रही है। तो M1 आई विद द वेलोसिटी ऑफ U1 और M2 किस पे है, एट रेस्ट। टक्कर के बाद M1 इधर चली गई मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 1 और M2 यहां चला गया मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 2। तो मोमेंटम इनिशियल ये रहा M1 V1, इसके दो कंपोनेंट्स हैं M1 V1 cos थीटा 1, M1 V1 sin थीटा 1। इसके दो कंपोनेंट है M2 V2 cos थीटा 2, M2 V2 sin थीटा 2, बन गए कंपोनेंट्स। क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम इसमें कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम इसमें दोनों एक्सिस में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये 2D है, एक्स में भी कांस्टेंट रहेगा, वाई में भी कांस्टेंट रहेगा। तो दो बार मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, एक बार एक्स में, एक बार वाई में।
तो एक्स एक्सिस में चलते हैं, एक्स एक्सिस में टक्कर से पहले मोमेंटम कितने हैं, एम वन यू वन, बस क्योंकि ये कैसे मूव कर रही थी एक्स के अलोंग, एम वन यू वन, ये रेस्ट पे थी तो इसका मोमेंटम टक्कर से पहले जीरो। टक्कर के बाद एम वन वी वन कॉस थीटा वन, एम टू वी टू कॉस थीटा टू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है यहां तक? तो टक्कर से पहले आपने क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया एक्स एक्सिस में। अब फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा किसमें, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में फिर से चलते हैं, टक्कर से पहले ये एक्स में मूव कर रही थी बॉल, वाई में मूव ही नहीं कर रही थी, तो इसका मोमेंटम वाई में क्या, जीरो। ये तो पहली रेस्ट पे है तो इसका भी जीरो, तो दोनों बॉल्स का मोमेंटम वाई में कितना, जीरो। टक्कर के बाद इसका मोमेंटम एम वन वी वन साइन थीटा वन वाई में, और इसका एम टू वी टू साइन थीटा टू वाई में, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में, मोमेंटम कंजर्वेशन वाई में, और एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियल एनर्जी फर्स्ट बॉल की, सेकेंड की लेनी नहीं, और फर्स्ट और सेकेंड बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करेंगे। एनर्जी वेक्टर नहीं है तो कॉम्पोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, सीधा टोटल एनर्जी कंजर्व कर दो। तो इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। याद कुछ नहीं करना, एक्स का मोमेंटम, वाई का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन, तीन चीज़ें याद होनी चाहिए बस। तो इसके बेस पे ये एक फेमस क्वेश्चन है, यूज़ करना आ सकता है, कि अगर मान लो इलास्टिक कोलिजन इन 2D है और मास दोनों बॉल्स के बराबर है, मास बराबर है, और ये सेपरेट हो रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। तो क्वेश्चन है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, मास बराबर है, तो इनकी सेपरेशन का जो एंगल थीटा वन एंड थीटा टू है वो हमेशा इक्वल टू क्या होगा, 90। बॉल्स विल बी सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90, लेकिन कब, इलास्टिक कोलिजन हो और मास दोनों के सेम हो। इन इलास्टिक में रूल नहीं लगेगा, तो इसका प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट याद करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट टाइप की कोलिजन जो स्टैंडर्ड है, यही आएगी, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D जब एनर्जी लॉस होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो इन इलास्टिक कोलिजन, अब इन इलास्टिक कोलिजन में रेस्टिट्यूशन भी गिवन होगा ई, क्योंकि एनर्जी लॉस है। तो रूल नंबर वन, बॉल आई एम वन वी वन, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, बॉल गई एम टू एम वी टू, वी वन से आई वी टू से गई, एनर्जी लॉस है तो वेलोसिटी में चेंज तो आना ही है। तो एम वी वन के साथ आई तो ये थीटा वन, तो ये थीटा वन, एम वी वन के दो कॉम्पोनेंट हैं, एम वी वन कॉस थीटा वन, एम वी टू वी वन साइन थीटा वन, एम वी टू के दो कॉम्पोनेंट हैं, एम वी टू कॉस थीटा टू वन, एम वी टू साइन थीटा टू। तो ये आपके इनिशियल मोमेंटम्स हैं, ये आपके फाइनल मोमेंटम्स हैं। तो इसमें एक पहला रूल ये लगेगा, इन इलास्टिक कोलिजन है, दीवार के अलोंग या ग्राउंड के अलोंग इनिशियल मोमेंटम इतना है, फाइनल इतना है, तो वॉल के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इक्वेशन नंबर वन। ठीक हो गया? लेकिन जो मोमेंटम इस दीवार के परपेंडिकुलर है, तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है वॉल के, इसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, सोचें, एक दीवार है, मान लो यू वेलोसिटी से बॉल आई, टक्कर हुई, ई गिवन है, कितनी वेलोसिटी से वापस जाएगी, ई इंटू यू, क्या मोमेंटम सेम है, नहीं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम सेम होता ही नहीं, लॉस हो जाती है एनर्जी, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रूल लगाया, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो फाइनल वेलोसिटी ई इंटू यू है। उसी तरीके से अगर इनिशियल मोमेंटम इतना है, फाइनल इतना है, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। तो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, फाइनल मोमेंटम ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। तो याद रखना, पहले आप चार कॉम्पोनेंट्स बनाना इनिशियल फाइनल के, दीवार के अलॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व करना, इक्वल करना इनिशियल फाइनल, और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम इज ई टाइम इनिशियल मोमेंटम करना। तो ये इक्वेशन नंबर वन आएगी, इक्वेशन नंबर टू आएगी, इन इक्वेशन को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वन हो जाएगा। तो यहाँ से वी टू पूछेगा, वी टू का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वी टू का स्टैंडर्ड आंसर आपको ऐसा मिलेगा, आएगा तो इसी फॉर्म में आंसर आएगा, क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आएगा, सॉल्यूशन भी इसी फॉर्म में चलेगा। तो ये आपकी जो कोलिजन है, ये आपकी कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D है। ठीक। तो जैसे ये थ्योरी इतनी है,
तो जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करना। कितनों का आंसर आया? इसका आंसर डी है। देखो करना क्या है, इसमें करना क्या है, सिंपल है। एम और 2m है, इलास्टिक कोलिजन है। 2m ने
आगे हिट किया 2m को परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों चिपक जाएंगे एंड फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले इसकी और इसकी टक्कर करवाएं, तो ये मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 9 और ये रेस्ट पे है। तो आप सिंपली क्या करें, v1 और v2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज करवाए थे इलास्टिक कोलिजन में, तो आप सिंपली एक फॉर्मूला लगाएं v2 का, क्योंकि आपको u1 गिवन है क्वेश्चन में 9 और u2 क्या गिवन है 0। आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट v2, तो v2 का बड़ा सा फॉर्मूला लगाएं, उसमें u1 u2 पुट करें, m1 m2 पुट करें, सीधा एक लाइन में क्या आएगा v2। v2 सॉल्व करके कितना आ रहा है, v2 सॉल्व करके आ रहा है कोई 6 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। अब ये दोनों चिपक जाएंगे, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन होता है कैसे, 2m into 6 plus 0 is equal to चिपक गए तो 4m into v common, find v common answer। देखो वही फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं कि एक ने दूसरे को टक्कर मारी, पहले इलास्टिक कर दी फिर टोटली इन इलास्टिक कर ली, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि किस टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर पूछी जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन देखना है, मेडिकल के लिए है नहीं वैसे, ओनली फॉर नॉन मेडिकल, लंबा है ना इसलिए। कॉन्सेप्ट इक्वेशन बना सकते हैं नॉन मेडिकल वाले, 3 इक्वेशन बना लें बस, मैथमेटिकल मेडिकल वालों के लिए नहीं है। इक्वेशन बनाना मेडिकल वालों के लिए है, इक्वेशन बनाएं। 2D कोलिजन है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास m है वो हिट करता है एक मास को जिसका मास 10 m है, u वेलोसिटी से हिट करता है, सेपरेशन होती है थीटा 1 थीटा 2 m और 10 m की। क्वेश्चन है कि ऐसे केस में इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसमें कि इसको हिट करता है एंड देन मूव्स विद हाफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि कौन मूव करता है, 10 m, चलो 10 m लगा लो, 10 m की काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो हाफ दी इनिशियल है। भाई जब ये आधी लेके जा रहा है तो आधी ये लेके जाएगा, तो इसके लिए भी सेम रूल है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ दी इनिशियल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ दी इनिशियल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ दी, क्योंकि दो तो लोग हैं एनर्जी बांटने वाले, ये आधी ले गया तो ये आधी ले गया, तो सेम रूल दोनों में एप्लीकेबल है। हम क्या करेंगे इसमें, पहला रूल वही लगाएंगे, इसको करने दो, लंबा तरीका तो करना है। पहला ये m1 into सपोज v1 मोमेंटम है, m1 into v1 मोमेंटम है और ये 10m into v2 मोमेंटम है, तो पहला इसमें कंपोनेंट क्या लगेगा, m1 v1 cos of थीटा 1 और ये क्या लगेगा, m1 v1 sin of थीटा 1। ऐसे यहां पर 10m into v2 into cos of थीटा 2 और यहां पर क्या लगेगा, 10m into v2 into sin of थीटा 2, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गए। क्या रूल सिखाया था, इलास्टिक कोलिजन है, पहला रूल एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्वेशन करो, एक्स में इनिशियल मोमेंटम mu और एक्स में फाइनल मोमेंटम m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m10m v2 cos थीटा 2, ये आपकी पहली क्या आ गई इक्वेशन एक्स के अलोंग। फिर वाई के अलोंग देखो, इसका 0, 10m रेस्ट पे था 0, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर कर लो, तो ये दोनों बराबर कर लिए, ये देखो
ये लो, बराबर करने का मतलब ये राइट पे जाएगा तो बराबर हो गया मोमेंटम। तो दूसरी क्वेश्चन भी आ गई, यहाँ तक क्लियर है? तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो इक्वल कर लो या इसको लेफ्ट पे जाके इक्वल टू जीरो कर लो, एक ही बात है। दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन, इसकी जो एनर्जी है वी वन की, हाफ एम वी वन स्क्वायर इज हाफ द इनिशियल एनर्जी, आती होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से वी वन और यू का रिलेशन आ गया, तो यहां से वी वन और यू का रिलेशन आ गया। और दूसरा रिजल्ट वही कि 10 m वाले की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ द इनिशियल एनर्जी, तो ये वी टू और यू का रिलेशन आ गया। वी वन आ गया यू की टर्म में, वी टू आ गया यू की टर्म में, काम करो यहां पे वी वन पुट करो यू की टर्म में, यहां पर वी टू पुट करो यू की टर्म में, साइन की फॉर्म में इक्वेशन आएंगी, तो यहां से कंपेयर करके एन क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है आगे, पर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया। मेडिकल में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, पहले दो रूल सीख लें, नॉन मेडिकल में तो ये क्वेश्चन ही आया हुआ है तो क्या ही बोलूं।